बहुत सारे देशों में घूमते घूमते एक बार मेरे मन में अचानक से प्रश्न आया कि ये यूरोप के देशों में रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। एक दिन मैंने ऐसा सोचा अपने मन में, आप कहेंगे बहुत बेवकूफी का प्रश्न, लेकिन मैंने सोचा कि ये रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। भाई बहन तो होते ही है, परिवार तो होता ही है, भले ही वो अधकचरा हो, अपसंस्कृति वाला हो, लेकिन परिवार तो है, भाई बहन तो, लेकिन रक्षाबंधन क्यों नहीं। तो सोचते सोचते एक दिन मैं निष्कर्ष में पहुंचा कि जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन ही समाज का मुख्य हिस्सा हो, वहां रक्षाबंधन हो कैसे सकता। क्योंकि रक्षाबंधन तो उसी देश में हो सकता है जिस देश में किसी माँ ने बचपन से सिखाया हो कि देख, किसी की बहन तेरी बहन है, किसी की बेटी तेरी बेटी है, किसी की माँ तेरी माँ है। ये तो उसी देश में संभव रक्षाबंधन, ये अमरीका में कैसे हो सकता है, यूरोप में कैसे हो सकता है। और अमेरिका और यूरोप में ये इसलिए भी संभव नहीं है कि बहुत बार तो वहां ऐसे किस्से होते हैं कि भाई ने बहन के साथ बलात्कार किया या बहन ने भाई के साथ संसर्ग किया, ये तो होता ही रहता है अमेरिका में, यूरोप में भी होता है। कैसे संभव है रक्षाबंधन हो जाए वहां? क्योंकि रक्षाबंधन होता है वो सिर्फ भागा नहीं होता है, वो बहन पवित्रता की एक डोर बांधती है भाई की राहत पर कि जवान भाई और जवान बहन के आपस के रिश्ते क्या होंगे, वो तय करता है रक्षाबंधन। तो बहन जब कलाई पर राखी बांधती है तो भाई से ये अपेक्षा करती है कि ये कलाई पर राखी नहीं है, ये पवित्रता की एक डोर है, तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति हमेशा पवित्र भाव ही होना चाहिए, इसलिए तो रक्षाबंधन होता है। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने ऐसे ही रक्षाबंधन नहीं निकाला है, उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन होगा। अमरीका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, क्योंकि समाज में इस तरह की संस्कृति नहीं है। और जिस समाज की अपनी संस्कृति नहीं है, या उजाड़ संस्कृति है या अपसंस्कृति है, उसी अपसंस्कृति को हिंदुस्तान में घुसेड़ा जा रहा है। स्टार टीवी, जी टीवी, सीएनएन, एटीएन, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स, और हिंदुस्तान के लोग बेवकूफों की तरह से बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हमारे घर में केबल कनेक्शन है। अरे सत्यानाश हो आपका, घर में केबल कनेक्शन क्यों लिया है, यह क्या काम का है केबल कनेक्शन? आपको अगर यही सीखना है पर स्त्री गमन कैसे करना, पर पुरुष गमन कैसे करना, तो अच्छा है कि केबल कनेक्शन बंद कर दीजिए, अमेरिका में जाकर रहिए, समझ में आ जाएगा। काहे को ले लिया ये केबल कनेक्शन? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, राजीव भाई उसमें से ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? 1% ज्ञान मिलेगा, 99% आपको उल्टी बातें। तो ज्ञान तो याद नहीं रहता, फालतू की बातें याद रह जाती। क्योंकि आदमी के चरित्र की विशेषता है ये कि गिरता जल्दी है, उठने में देर लगती, फिसलने में समय नहीं लगता। फिसलने में, गिरने में, रपटने में, कहीं दुष्चक्र में फंसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपने आप को नीचे गिरे हुए से उठाने में बहुत समय लगता है। तो ज्ञान लेने में समय लगता है, लेकिन फालतू बातें सीखने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बच्चे सीख रहे हैं रोज, इस तरह के टेलीविजन चैनल देख देख कर आज इस देश के बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 साल में जिस तरह की बातें करने लगे हैं, सुनकर हैरानी होती। कई बार मुझे अफसोस होता है कि इस देश के बच्चे बचपन में जवान हो रहे हैं इस तरह के टीवी सीरियल देखकर, और हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और एक पराई संस्कृति में, विदेशी संस्कृति में रहने को गौरव महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। जब आप अपनी संस्कृति की जड़ों से कट जाएं, एक पराई और विदेशी संस्कृति में जीना शुरू करें और आप माने कि यही हमारे लिए तरक्की है, यही विकास है, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। आपको तो अपने पराए का भेद भी खत्म हो गया होगा तब। इसी को मैं सांस्कृतिक आक्रमण मानता हूं।